इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें एनर्जी का लॉस है। तो मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता है किसी भी कोलिजन में, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक है, लेकिन एनर्जी काइनेटिक कांस्टेंट नहीं रहती। तो इन इलास्टिक कोलिजन में अगर सपोज करो m1 विद u1, m2 विद u2 आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2, तो मोमेंटम कांस्टेंट है। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है m1 u1 प्लस m2 u2, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना है m1 v1 प्लस m2 v2। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? क्योंकि इसमें एनर्जी की इक्वेशन तो बन नहीं सकती, तो इसमें जो सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि v1 v2 दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स के लिए कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। तो एनर्जी की तो बनेगी नहीं क्योंकि इसमें इनइलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का तो लॉस होता ही है। तो दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? रेस्टिट्यूशन से। तो इनइलास्टिक कोलिजन में आपको क्या गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में? रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाएं, v2 - v1 / u1 - u2। तो यहां से आपके पास दो इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको m1 u1 m2 u2 और e सब गिवन होगा। आपको दो अननोन गिवन होंगे, एक v1 और एक v2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके v1 v2 कैन बी कैलकुलेटेड। कोई फॉर्मूला नहीं इसका, कोई कुछ नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तो एक मोमेंटम की इक्वेशन और एक रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लगा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, एक बॉल 2 kg m1 गिवन है मूविंग विद u1 10 और दूसरी बॉल m2 मूविंग विद u2 u1 u2 गिवन है। आफ्टर कोलिजन आपको v1 v2 निकालना है हमेशा की तरह। कोई फॉर्मूला चलेगा नहीं क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है। कैसे पता लगा इन इलास्टिक है? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेस्टिट्यूशन। और इलास्टिक कोलिजन में रेस्टिट्यूशन क्या होता है? 1। इन इलास्टिक में रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है? 1/2। फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो पहली क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन क्या? 2 × 10 प्लस 1 × 5, ये पहली क्वेश्चन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन क्या? 2 × v1 1 × v2। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्लियर है सबको? ठीक है यहां तक? तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2, दो वेरिएबल्स हैं। दूसरी क्वेश्चन रेस्टिट्यूशन से, रेस्टिट्यूशन e की वैल्यू कितनी है? 1/2। v2 - v1 v2 v1 दोनों निकालने हैं अपॉन u1 - u2। u1 कितना है? 10। u2 कितना है? 5। तो यहां पर क्या आएगा? 10 - 5। तो सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v2 - v1। अब आपके पास कुल मिला के दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो आप पहली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को यहां लिख लें, इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिख लें। अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट कैसे? ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो v2 से v2 कैंसिल। सॉल्व करके क्या आ जाएगा? v1 आ गया तो v2 आ गया। तो इलास्टिक कोलिजन इन 1D को सॉल्व करने के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है v1 v2 के, बड़े बड़े फॉर्मूला कुछ नहीं करना। पर इन इलास्टिक कोलिजन को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है इसमें? एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी इक्वेशन कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? ठीक, फिर से एक बार करते हैं। अगला क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं फिर से आपको। इस बार एक 5 kg की बॉल गिवन है मूविंग विद 10, u1 गिवन है, दूसरी बॉल राइट जाने की बजाय लेफ्ट। तो वेलोसिटी हमेशा हमने राइट ही ली है, इस बार उसने क्या किया? हेडन कोलिजन है और वेलोसिटी कितनी है? 5 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, u2 गिवन है। आपको क्या निकालना है? v1 v2 और आपको e के फिर से क्या गिवन है? 1/2। तो पहली इक्वेशन एक बार फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन, टक्कर से पहले मोमेंटम कितना? m1 into u1 कितना? 5 × 10। इस बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। याद रखना इधर की वेलोसिटी एंड मोमेंटम हमेशा पॉजिटिव। जिसने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की इस तरफ तो उसका मोमेंटम और वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसलिए यहां का जो मोमेंटम आएगा 2 × 5 इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। क्या स्टेप क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ रहा है यहां तक? अगर दोनों वेलोसिटी एक तरफ हैं तो मोमेंटम ऐड होगा, और अगर एक ने भी अपनी डायरेक्शन चेंज की तो उसका मोमेंटम तो हो गया नेगेटिव। और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ v1 v2? मुझे नहीं पता बॉल्स कहां गई। तो इसलिए मैंने क्या किया? 5 × v1 प्लस 2 × v2, इसमें कोई साइन नहीं पुट किया, सीधा v1 v2 के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि v1 v2 की डायरेक्शन क्या होगी, मैं पुट कर भी नहीं सकता। इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन कहां से बनेगी? रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन कितना गिवन है? 1/2। v2 v1 निकालना है, इसमें तो एज इट इज पुट करना पड़ेगा। u1 कितना है इसमें? 10। और u2 कितना है?
माइनस फाइव, क्योंकि सेम डायरेक्शन क्या की, चेंज। तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 10, और यहां पर क्या पुट करेंगे, माइनस फाइव। सॉल्व करके क्या आएगा, वी टू माइनस वी वन। अब आपके पास एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखो और इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। वो कैसे करना है वो आपका काम है मैथ्स में। जैसे मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नई इक्वेशन आ गई। क्यों मल्टीप्लाई किया था, कि ऐड करेंगे तो ये टर्म्स आपस में कैंसिल। तो सॉल्व करके क्या आ गया, वी टू, वी टू आ गया तो वी वन आ गया। तो कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं इसमें, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन है और रेस्टिट्यूशन है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, कि कैसे करना है इसमें, ठीक है यहां तक तो ईजी है। अगर तो इलास्टिक कोलिजन आ गई 1D, फिर तो बड़े बड़े फॉर्मूलास, और अगर इनइलास्टिक कोलिजन आ गई तो दो इक्वेशन, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक रेस्टिट्यूशन की। क्लियर है यहां तक?